हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम ऑप्शन डेटा एनालिसिस के बेसिस पे जानेंगे कि निफ्टी का मेजर अपसाइड का जो मोमेंटम हो रहा है वो कौन सा पुट है जहाँ से ब्रेकआउट देखा जाएगा। अभी तक हमने जितना भी डेटा एनालिसिस किया है, पुट में ब्रेकआउट अभी तक नहीं देखा जा रहा है। तो आज हम देखेंगे कि क्या आज ट्रेंड रिवर्सल का दिन है। और जैसा मैं बोलता आया हूँ कि 3 जून एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड रिवर्सल के लिए हो सकता है निफ्टी के लिए, तो क्या वो कौन सा निफ्टी का ऑप्शन है जिसमें ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल सबसे पहले मिलेगा, उसकी मैं एनालिसिस करूँगा यहाँ पे। और इस वीडियो के माध्यम से ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पज़ से व्यू दिया जा रहा है, ना कि ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट आई टिप्स दी जा रही है। इसलिए जो भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले अपनी स्टडी एनालिसिस पे। तो सबसे पहले वीकली एनालिसिस, वीकली एक्सपायरी के बेसिस पे देखा जाए, और उसके बाद हम देखेंगे मंथली एक्सपायरी के बेसिस पे। तो आपके स्क्रीन के सामने एग्जैक्ट दिख रहा है कि 10,000 के कॉल ऑप्शन में कल ब्रेकआउट होकर के बंद हुआ है। मीन्स कि 34 रुपीज के ऊपर जो ब्रेकआउट लेवल था ऑलमोस्ट 34 का था, और क्लोजिंग प्राइस 71 के आसपास हुआ है। मीन्स कि अगर देखा, अगर परसों कल के डेटा में एनालिसिस की गई होती, कल की मतलब इससे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन वाला, कल का जो ट्रेडिंग सेशन क्लोज हुआ है, 1 जून का डेटा एनालिसिस में इसकी क्लोजिंग लेवल लगभग 33 रुपीज़ की थी, और कल 71 के आसपास क्लोजिंग हुआ है। मीन्स कि ब्रेकआउट के आसपास बंद हुआ था। कॉल ऑप्शन में तो जो भी कॉल ऑप्शन खरीद रहा है पैसा बन रहा है एज फॉर ब्रेकआउट। हम ट्रेंड रिवर्सल के लिए एनालिसिस करते हैं। अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है तो ऑलमोस्ट आप तेजी का एनालिसिस बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। तो जिसकी इजीली एनालिसिस की जा सकती है उसकी मैं बात यहाँ नहीं करता हूँ। मैं ट्रेंड रिवर्सल की, ज़्यादातर मेरा वीडियो ट्रेंड रिवर्सल के पर्पज़ से होता है कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा ट्रेंड रिवर्सल के लिए। तो अब हम बात करेंगे 10,000 के कॉल पुट दोनों ऑप्शनों के बारे में, जानेंगे कि क्या ये डेटा एनालिसिस शेयर कर रहा है। तो ओवरऑल निफ्टी की हम डेटा एनालिसिस कर लेते हैं 10,000 के कॉल पुट के बेसिस पे। और सबसे ज़्यादा अगर इस डेटा में ये दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो ऐड है वो 10,000 के कॉल ऑप्शन में है, तो 10,000 बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये नहीं गैप अप खुलेगा तो 10,000 के ऊपर चला गया तो तेजी कंटिन्यू रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और 10,000 के पुट को एनालिसिस करना कंपलसरी है इस केस में। 10,000 के पुट को अगर हम एनालाइज करते हैं तो 10,000 का पुट का जो लेवल है क्लोजिंग प्राइस 105 के आसपास है, और ब्रेकआउट लेवल 197 के आसपास है। इट्स मीन्स कम से कम 100 पॉइंट निफ्टी यहाँ से गिरेगा तो ही ब्रेकआउट देखी जाएगी। और अगर गैप अप के केस में निफ्टी ऊपर चला जाएगा तो और भी डिस्टेंस बढ़ जाएगा। मीन्स कि ये पुट का वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी। मीन्स कि 9,800 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मीन्स अगर देखा जाए तो 9,800 तक अगर 10,000 के पुट को जिन्होंने राइट किया हुआ है वो 9,800 तक सेफ हैं, और 9,800 का लेवल टूटेगा तो एक भयानक मंदी आ सकती है बाजार में। तो 9,800 के लेवल पे बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए। और देखा जाए तो कल पुट में जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा तो है, लेकिन अभी भी जो ह्यूज ओपन इंटरेस्ट ऐड है कॉल ऑप्शन में, बहुत ही ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड है। पुट में मात्र 6 लाख, 6.5 लाख के करीब, 6,38,000 वाई ऐड है। इट्स मीन्स अगर देखा जाए तो बिल्कुल 0.26 पीसीआर जो है 0.26 के आसपास है। तो यहाँ से एक अच्छा खासा पुट में जो अभी भी ओपन इंटरेस्ट अगर जब तक ऐड नहीं होता है, मीन्स कि 25 लाख के करीब, 24 लाख के करीब कॉल में है, अगर 25 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट इंट्राडे लाइव मार्केट में अगर उस दिशा में बढ़ता है, मीन्स कि 6 लाख है तो अचानक से 25 लाख तो होगी नहीं, 25 लाख के दिशा में बढ़ता है, तब आप एक ढूंढ सकते हैं कि 10,000 का सपोर्ट तैयार हो रहा है, ना कि 10,000 टूटने की तैयारी हो रही है। तो ये बहुत ही ध्यान लगा के देखने वाला है, और मुझे लगता है कि ये एक बार जरूर ब्रेकआउट कर सकता है। उसके लिए 10,100 का हैडल नेक्स्ट लेवल जो है
10,100 का डेटा एनालिसिस क्या बोलता है, 10,000 के 10,000 के पुट में राइटिंग नहीं देखी गई है और क्लोजिंग प्राइस ब्रेकआउट लेवल से मात्र 50 पॉइंट नीचे है। तो 220 मीन्स 9900 के लिए निफ्टी, अगर 9900 के आसपास निफ्टी आ जाती है तो कहीं ना कहीं एक गिरावट का सिग्नल मिल जाएगा। ऊपर से 9900 के लेवल्स पे आ जाती है तो एक अच्छा खासा गिरावट का सिग्नल बन जाएगा। और ओपन इंटरेस्ट मात्र 49,000 ऐड है, तो इस पर भी नज़र गड़ा के देखना है कि 9 लाख कॉल ऑप्शन में 9 लाख ओपन इंटरेस्ट ऐड है और ब्रेकआउट के ऊपर प्राइस तो चल रहा है। ब्रेकआउट का जो लेवल है 10,100 का, 28 रुपीज़ का, और क्लोजिंग प्राइस है 37। तो 37 का प्राइस जो है, अगर ये ऊपर 52-56 भी चला जाए ब्रेकआउट के बाद, गैप अप के बाद, तो कहीं ना कहीं इसमें एक ऊपर से अगर गिरावट प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे आज हम, हो सकता है कि आज भी हम टाइम प्राइस के एनालिसिस के बेसिस पे मुझे दिखता है कि आज कहीं ना कहीं 2 बजे के बाद एक बहुत हेवी सेलिंग आएगा और उससे पहले भी एक सिग्नल मिलना चाहिए। गैप अप के बाद आफ्टर 1 आवर के बाद एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग होगा और उसके बाद ह्यूज सेलिंग जो है वो 2 बजे के बाद 2:30 बजे के बाद एक आनी ही चाहिए। और उस केस में 10,100 का कॉल ऑप्शन 27 रुपीज़ के नीचे अगर बंद हो जाए तो 10,100, और जो मैंने एनालिसिस था कि 10,088 का एक टारगेट पेंडिंग है, अगर वो आ जाता है और वहाँ से एक अच्छा खासा करेक्शन की तैयारी कर होते हुए हम देखेंगे। तो ये मेरा निफ्टी पे एनालिसिस है। तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो के।